आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल एग्जाम दीप। तो सीबीएसई के जो एग्जाम को लेके, जो बोर्ड के एग्जाम को लेके एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, उससे समझते हैं। यदि उससे पहले यदि आपने जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो वैकल्पिक मूल्यांकन की मांग याचिका पर जो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट राहत, देखते हैं क्या है पूरा जो मुद्दा। या ये जो है द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज की निकल के आ रही है। देखो, बोर्ड एग्जाम्स 2022 सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू लिस्ट ऑफ द जो अपील अगेंस्ट द होल्डिंग द बोर्ड एग्जाम्स ऑफलाइन के लिए, उसके लिए एग्री कर रही है। देखो, ये एनवी रमन्ना सर ने है ना अपील को जो अर्जेंट में लिस्ट किया है इसको, और जो कारण लिस्ट में करने का कारण ये है क्योंकि एमपी बोर्ड में जो है एग्जाम होने वाले वो स्टार्ट हो गए हैं। अब पूरी सुनवाई जो है एम खान सर देखेंगे इसको, क्योंकि वो लास्ट ईयर भी वही देख रहे थे। तो देखते हैं, ये अलग अलग न्यूज पेपर ने अलग अलग इसको कवर किया है, समझते हैं क्या है पूरा मुद्दा। आज 21 को इसकी जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको लिस्ट करने के लिए बोला है, और 15 से अधिक राज्यों में जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका की गई थी कि भाई जब फिजिकली तो लास्ट ईयर तो पढ़ाई तो हमारी हुई नहीं है तो हम एग्जाम कहां से दे दें फिजिकली। तो जो एग्जाम है वो भी वर्चुअली होने चाहिए। कुछ जो पेरेंट्स की जो इस तरह की छात्र तो अभिभावक जो ऑफलाइन परीक्षा रद्द कराने के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए या पिछले साल की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंडों के लिए मूल्यांकन करने की मांग कर रहे हैं। तो ये है एक न्यूज निकल के आई है, उसे 10th 12th की जो शारीरिक परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है, जो फिजिकली जो एग्जाम के लिए उसके लिए मांग जो है। तो ये COVID-19 के कारण जो आयोजित नहीं हुई, जब आयोजित नहीं हुई तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, या पढ़ाई नहीं हुई तो वो कैसे दे दे, तो उसके लिए वर्चुअली एग्जाम के लिए ये बोल रहे हैं अभिभावक और जो स्टूडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो ये न्यूज थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।